इंडिया में पॉपुलर कंपनी की बेहतरीन इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर वाली गाड़ियाँ कौन सी हैं? तो आज मैं आपको 10 कंपनी की वो कारें बताऊंगा जिनका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर काफ़ी बेहतरीन है या काफ़ी अच्छा है। तो जानते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। मारुति। मारुति कंपनी की सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर वाली जो गाड़ी है वो XL6 है। XL6 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग है जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है। ये मीटर आपको ब्लैक और ब्लू कलर में मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। गाड़ी पेट्रोल इंजन में मिलती है दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ, आप कोई सा भी चॉइस कर सकते हैं। इस गाड़ी में 7-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट और गाड़ी की कीमत 9,84,000 रुपये से शुरू होती है। हुंडई। हुंडई कंपनी की बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाली जो गाड़ी वो कोना इलेक्ट्रिक है। इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर डिजिटल है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लुकिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। जैसा आप देख सकते हैं, ये जो गाड़ी है ये इलेक्ट्रिक कार है जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलती है। गाड़ी में काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, इसमें सनरूफ भी मिलता है, ऑटो AC, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, रियर AC वेंट, 17-inch का अलॉय व्हील, LED बी फंक्शनिंग हेडलैम्प और गाड़ी की कीमत 23,75,000 रुपये से शुरू होती है। होंडा। होंडा कंपनी की इस गाड़ी का सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो CRV है। जैसा आप देख सकते हैं, डिजिटल है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये गाड़ी पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। गाड़ी में काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं क्योंकि ये कार महंगी है। इसमें रेन सेंसिंग, वाइपर, पैनोरामिक सनरूफ, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और गाड़ी की कीमत 28,27,000 रुपये से शुरू होती है। टाटा। टाटा कंपनी की नेक्सोन आई है जिसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अच्छा है और डिजिटल है। जैसा आप देख सकते हैं, गाड़ी डीजल पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में और दोनों ही ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। ये गाड़ी काफ़ी महंगी भी नहीं है और गाड़ी का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर काफ़ी बेहतरीन है। इसमें आपको 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और गाड़ी की कीमत 7,09,000 रुपये से शुरू होती है जो कि पेट्रोल वेरियंट की कीमत है। महिंद्रा। महिंद्रा कंपनी की जो गाड़ी है वो G4 आई है। G4 का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर काफ़ी बेहतरीन है और सेमी डिजिटल है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें आपको एनालॉग और डिजिटल मीटर मिलता है, राइट लेफ्ट में एनालॉग मिलता है और सेंटर में डिस्प्ले मिल जाती है। गाड़ी डीजल इंजन में मिलती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। गाड़ी में सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और गाड़ी की कीमत 28,73,000 रुपये से शुरू होती है। रेनो। रेनो कंपनी की ट्रिबर आई है जिस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी बेहतरीन है और गाड़ी का डिजिटल मीटर मिलता है जो कि काफ़ी शानदार लग रहा है। गाड़ी पेट्रोल इंजन में मिलती है मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ। 8-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, AC वेंट, 4 second और 3rd row, यानी कि फर्स्ट में तो मिलता ही है, सेकेंड में भी मिलेगा और 3rd row में भी मिलेगा। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, गाड़ी की कीमत 5,20,000 रुपये से शुरू होती है। फोर्ड कंपनी की जो गाड़ी आई है वो एंडेवर आई है जिसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर काफ़ी बेहतरीन और सेमी डिजिटल है। इसका मीटर काफ़ी शानदार लग रहा है और सेंटर में आपको एनालॉग मीटर मिलता है और राइट और लेफ्ट में डिजिटल। गाड़ी डीजल इंजन के ऑप्शन मिलती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। गाड़ी में काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, इसमें 8-inch SYNC, 3-touch स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेमी ऑटोनोमस पैरेलल पार्क असिस्ट, पावर फोल्डिंग 3rd row सीट, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और गाड़ी की कीमत 29,99,000 रुपये से शुरू होती है। फिर टोयोटा। टोयोटा कंपनी की फॉर्चूनर गाड़ी आई है जिसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर काफ़ी बेहतरीन है। इसका एनालॉग है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। इसका मीटर आपको ब्लैक और ब्लू कलर में मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और सेंटर में इसमें डिस्प्ले मिलती है। गाड़ी डीजल पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में और दोनों ही ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। इसमें 9-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360° पार्किंग कैमरा, वायरलेस चार्जिंग पैड, एम्बिएंट लाइटनिंग और गाड़ी की कीमत 29,98,000 रुपये से शुरू होती है। फिर MG कंपनी की सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर वाली जो गाड़ी है वो MG क्लस्टर है।
MG क्लस्टर MG की महंगी कार है और गाड़ी का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर काफ़ी बेहतरीन है और डिजिटल है। जैसा आप देख सकते हैं गाड़ी डीजल इंजन के ऑप्शन में मिलती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इसमें 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, सेमी पैरेलल पार्क असिस्ट, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग मिलेगी और गाड़ी के एक शोरूम कीमत 29,98,000 रुपये से शुरू होती है। फिर आइए किया। किया कंपनी की जो बेहतरीन इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर वाली गाड़ी है वो किया सोनेट है। जैसा आप देख सकते हैं इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है और डिजिटल है और गाड़ी डीजल पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में और दोनों ही ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एयर प्यूरीफायर, ए सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और गाड़ी की एक शोरूम कीमत 6,79,000 रुपये से शुरू होती है। तो मैंने आपको 10 कंपनी की 10 कारें बताई हैं जिनका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर काफ़ी बेहतरीन है और खूबसूरत है। आप हमें बताइए आपको किस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर काफ़ी बेहतरीन लगा है, हमें उस गाड़ी का नाम बताइए।